रियलमी 9 प्रो प्लस को आई मीन यूज़ करते हुए तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया है, और मैंने काफ़ी अलग अलग फ़ोन के साथ भी इसको कंपेयर किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो कंपेरिजन वीडियो वैसे देखे होंगे उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस फ़ोन की क्या पोजिशन है आज के टाइम पर मार्केट में। लेकिन जो लोग मतलब लेना चाहते हैं इस फ़ोन को और एकदम डीपली रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस फ़ोन का डिटेल में रिव्यू करने जा रही हूँ टोटल 8 पॉइंट्स में, 3 नेगेटिव 5 पॉजिटिव पॉइंट के साथ पूरा इस फ़ोन का हम रिव्यू करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो हर बार की तरह डिटेल रिव्यू में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के बारे में जहाँ पर मुझे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम्स या बोल सकते हो थोड़े बहुत इश्यूज़ फेस हुए हैं, उसके बाद हम आएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला मुझे इस फ़ोन में जो एक इशू फेस हुआ है ना, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेके। देखो ऐसा वैसे बहुत ही रेयर होता है कि Realme के फ़ोन में मुझे बग्स वगैरह एक्सपीरियंस होते हों, मतलब मुझे लगता है कि Realme UI ना काफ़ी स्टेबल है आज के टाइम पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि Android 12 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, Realme UI 3.0, मतलब सब कुछ नया नया है, और इसी वजह से मैं बोलूँगी कि थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन में कमी रही है। इसी वजह से मैंने जब इस फ़ोन को मी 11 5G के साथ कंपेयर किया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसमें कीबोर्ड एकदम स्टक कर गया था, कुछ भी टेक्स्ट के लिए मैं ओपन कर रही थी, गूगल सर्च कर रही हूँ, मैसेजिंग कर रही हूँ, व्हाट्सएप कर रही हूँ, मतलब कीबोर्ड फ्लैश ही नहीं हो रहा था। तो वो एक बग मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी कुछ दिन पहले मैं इस फ़ोन में यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, एंड यूट्यूब एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन, वो इस फ़ोन में बार बार क्रैश हो जा रही थी। तो हाँ, मतलब इस तरह के बग्स मैंने इस फ़ोन में एक्सपीरियंस किए हैं। आई एम रियली होपफुल कि Realme जल्द से जल्द इन सब के रिगार्डिंग कोई अपडेट दे, ताकि इन चीज़ों को फिक्स किया जा सके। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ट्विटर पर अपडेट कर दूंगी, क्योंकि डिटेल रिव्यू तो अब बन चुका है। नहीं फॉलो कर रहे वहाँ पर तो फॉलो कर लेना, ये सारी चीज़ें वहीं पर अपडेट होती है बाय द वे। बाकी अगर आप लोगों को भी इस तरह के बग्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो आपके कॉमेंट्स से। नेक्स्ट जो इस फ़ोन में सेकेंड प्रॉब्लम मुझे फील हुई है, ये मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी नहीं फिक्स हो सकता, मतलब ये है तो है ही फोन के अंदर, और वो है 5G बैंड्स का सपोर्ट। सिर्फ 4 ही 5G बैंड्स का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो अगर 5G इंडिया में आता तो हो सकता है ये चारों के चारों 5G बैंड्स का सपोर्ट हमें इंडिया में देखने को मिल जाए, नहीं होता है तो मतलब हिड एंड मिस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो अभी इस पॉइंट एंड टाइम पर जहाँ पर हमें नहीं पता है कि कितने 5G बैंड्स का सपोर्ट आने वाला है, हम तो वही चाहेंगे कि यार जितने ज़्यादा मैक्सिमम मिल जाए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वैसा यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो 2 सिम कार्ड डालो या फिर 1 सिम मेमोरी कार्ड डाल लो। वैसे आई गेस लोग इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, SD कार्ड कितने ही लोग डालते हैं बताना, अगर आपको ये चीज़ मैटर करती है और यह आपके डिसीजन को बदल पाती है तो कमेंट सेक्शन में। खैर अभी जो नंबर थर्ड प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे इस फ़ोन का डिज़ाइन पार्ट काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है। आई मीन ग्लास बिल्ट के साथ ग्लॉसी फिनिश, जिसमें इतने सारे फिंगरप्रिंट स्मर्जेस वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, तो ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं सोच रही थी मतलब कुछ ऐसे मैट टाइप की फिनिश मिलेगी, तो वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, काफ़ी शाइनी चमकीली सी फिनिश के साथ ये स्मार्टफोन आता है। आई मीन अगर मैं इस फ़ोन परचेस करने जा रही हूँ और मेरा डिज़ाइन पार्ट एक मतलब है कि मुझे अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहिए, तो अगर इस तरह की डिज़ाइन के साथ फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो सीरियसली मैं तो नहीं परचेस करूँगी। बट एनीवेज बात इतनी है यार कि अगर आप हमेशा फ़ोन में कवर लगा के ही रखते हो, तो आई डोंट थिंक सो फिर आपको ये सारी चीज़ें मैटर भी करेंगी, क्योंकि कवर लगा ही लेना है तो फिर क्या ही डिज़ाइन के बारे में बात करना। बाकी तो देखो अभी तक मैंने इस फ़ोन में जो कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस किया था ना, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो मुझे इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, जिसकी वजह से आप इस फ़ोन को ले सकते हो, एंड नो डाउट इसमें सबसे पहले आते हैं फ़ोन के कैमराज। Realme ने थोड़ा ज़्यादा ही हाइप अप कर दिया था फ्लैगशिप कैमराज के साथ इसको कंपेयर करके, हम उस लेवल पर तो नहीं जाएंगे बिकॉज वो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल वाली चीज़ लगती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़मीन पर रह के बात करें तो मैंने इस बार इस फ़ोन के कैमराज को M52 के रेफरेंस में लिया है, उसके साथ कंपेयर करके बताऊंगी। इससे पहले मैं 2 और फ़ोन के साथ इसके कैमराज को कंपेयर कर चुकी हूँ। तो अभी M52 के साथ मैंने जितने भी फ़ोटोज़ यहाँ पर कैप्चर करे ना, एक चीज़ मैं सीधा बोल सकती हूँ कि Realme डायनमिक रेंज और बोलते हैं ना लाइट का
एक्सपोजर, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाता है। ऐसा नहीं है सैमसंग नहीं कर पाता, कर लेता है, लेकिन थोड़ा हिट एंड मिस है। रियलमी मैक्सिमम पार्ट्स में अच्छा काम करता है उस जगह पे। लेकिन इसी के साथ ना मैंने रियलमी के फ़ोन में एक और चीज़ नोटिस कर पाई हूँ कि कई बार ना ये स्किन टोन को ना एक अलग ही बूस्ट कर देता है। कितना भी मैं ब्यूटी मोड को ऑफ करके रख दूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेगा, थोड़ा सा कलर्स को बूस्ट करेगा, जो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन वहीं पर सैमसंग को अगर देखा जाए तो वो स्किन टोन के कलर्स के मामले में ना मुझे काफ़ी सही लगा है, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा डल टाइप का रखता है, ना ही बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, काफ़ी सटल वे में कलर्स लेता है। इस वजह से मुझे ना सैमसंग की कलर साइंस ज़्यादा पसंद आई है यहाँ पर। एंड वाइड एंगल में भी अगर आप फोटोज़ लोगे ना तो सैमसंग ज़्यादा बेटर ले पाता है, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का है तो ज़्यादा वाइड एरिया भी कवर करता है, डिटेल्स भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन यहीं पर अगर आप लो लाइट में फोटोज़ लेते हो ना तो थोड़ा सा यहाँ पर गेम चेंज हो जाता है। रियलमी ने OIS दिया हुआ है, इस वजह से ये लाइट को तो अच्छे से कैप्चर करता ही करता है, लेकिन डिटेल्स भी अच्छी देखने को मिलती है। सैमसंग में फोटोज तो ब्राइट मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल्स के मामले में बोल सकते हो कि थोड़ा सा स्क्रीन को स्मूथ कर दिया है, तो इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं मिलेगी आपको सैमसंग के फोन में लो लाइट की कंडीशन में। अभी अगर मैं सीधा कंक्लूड करूं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो देखो यार ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है किसी एक को यहाँ पर चूज करना। लेकिन अगर मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जाऊं तो यार मेरे को है ना कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उस केस में मेरे को सैमसंग के कलर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे हैं, तो मैं उस वजह से सैमसंग के फ़ोन को चूज़ करूँगी। लेकिन आई नो काफ़ी लोगों को रियलमी ने जिस तरह के फ़ोटोज़ लिए हैं, थोड़े से पंची बूस्टेड आई प्लीजिंग कलर्स, उस तरह के कलर्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये आप सैम्पल्स देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कैमराज के मामले में बोल सकते हो दोनों ने ही अच्छा काम किया है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो सेकंड बेस्ट पार्ट मुझे फ़ोन में लगा है वो है इस फ़ोन की डिस्प्ले। पहली बात तो कॉम्पैक्ट साइज़ की डिस्प्ले है तो उस वजह से भी अच्छी है, और एमोलेड की क्वालिटी काफ़ी सही रखी है, आउटडोर्स वगैरह में काफ़ी अच्छा खासा ब्राइट रहता है। यहाँ पर वाइड बैंड आईएसएस L1 का सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है तो वो भी मतलब सही तरीके से काम करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है, काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो हाँ, डिस्प्ले अच्छी है ओवरऑल फोन की। नंबर थर्ड पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए तो वो है इस फोन की परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि MediaTek Dimensity 920 चिपसेट यहाँ पर दे रखा है, जो कि वन ऑफ द पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। 6nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आपको मल्टीटास्किंग करना है, हाई ग्राफिक गेम खेलना है, वीडियोस वगैरह रेंडर करना है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन परफॉर्म कर देता है, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हुआ क्या था ना, जब मैंने इस फ़ोन को मी लेवल एट एनी 5G के साथ कंपेयर किया था, तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया था कि जब मैंने वीडियो रेंडर किया ना तो इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया था 778G, मतलब मी 11 एट एनी 5G के कंपैरिजन में। और प्लस जब मैंने गेमिंग वगैरह भी दोनों फ़ोन में साइड बाय साइड एक्सपीरियंस किया तो मुझे फील हुआ कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है मी 11 एट एनी 5G। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि 19-20 का फ़र्क है। अगर आप इस फ़ोन को परफॉर्मेंस के हिसाब से भी लेते हो तो आप ऐसे रिग्रेट नहीं करने वाले हो। बस मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बता रही हूँ कि थोड़ा सा स्लाइटली स्नैपड्रैगन 778G शायद बेटर है यहाँ पर। खैर, अभी बढ़ते हैं आगे और नंबर फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको एक अच्छा फीचर नहीं बताने वाली हूँ, मल्टीपल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो फ़ोन के अंदर ना इस बार स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, और रियलमी ने मतलब काफ़ी सही काम किया है यहाँ पर, क्योंकि साउंड क्वालिटी भी अच्छी और लाउडनेस भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। एंड हैप्टिक फीडबैक इस फोन के काफी कमाल के मुझे लगे, मैं सही में काफी ज्यादा इंप्रेस हुई इस पार्ट से। तो बाकी तो गूगल डायलर देखने को मिल रहा है, जिसमें कॉल्स रिकॉर्ड करोगे सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। काफी लोग पूछते हैं क्या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए, आई मीन वो तो ट्रू कॉलर तो है ही ना वहां पर, तो उन सबसे कर ही सकते हो ऑब्वियसली। बट इसी से अभी अगर हम नंबर फिफ्थ पॉइंट पर आए, जो मुझे इस फोन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है, वो है इस फोन का बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी है, 6nm की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर की वजह से ऑप्टिमाइजेशन अच्छी, और रियलमी ने भी बैटरी को काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, इस वजह से आराम से एक दिन तक का बैकअप आपको मिल जाएगा। साथ ही में जो 65W का चार्जर, वैसे वो 60W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, उससे 40-42 मिनट आसपास ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो अभी अगर बात की जाए कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए 25,000 की प्राइस में या फिर नहीं, तो देखो बात बहुत ही सिंपल सी है।
जो मेन चीजें होती है फोन में, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, चार्जिंग, वो सब कुछ यहाँ पर एकदम टॉप नॉच रियलमी ने रखा हुआ है। और जो नेगेटिव पार्ट्स है फोन के, वो ऐसे हैं जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है डील ब्रेकिंग वाला पॉइंट बन जाए, तो आप उनको कंसिडर जरूर से करिएगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो चीजें बिल्कुल बॉदर भी ना करें। अगर नहीं बॉदर करती है, देन मेरे अकॉर्डिंग 25,000 की प्राइस में ये काफी सही स्मार्टफोन है, और डेफिनेटली मैं इस फोन को रिकमेंड करूंगी, क्योंकि पैनी पैनी को मेरे अकॉर्डिंग ये फोन जस्टिफाई करता है यहाँ पर। बाकी अगर आप में से किसी ने फोन परचेस कर लिया, तो आप भी अपने ओपिनियन जरूर से रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मी 11 लाइट एनी 5G के साथ कंपेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर देख लेना। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।